नमस्कार, मैं हूं आर के रोशन। आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों पे। एसडीआरएफ की टीम इस बार भी बाढ़ पीड़ितों के सामने देवदूत बनकर आए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में 21 टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, जिनके द्वारा हजारों लोग सुरक्षित हो सके हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे से चिंतित सरकार ने अंततः तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसकी पहल पटना के लिए दो और बड़े फैसलों के साथ हुई है। एनएमसीएच का दायरा बढ़ाया जा रहा है, साथ ही ईएसआईसी बीटा अस्पताल में भी ठोस व्यवस्था की जा रही है। चुनाव आयोग ने आखिरकार कोरोना संक्रमण तथा बाढ़ की गंभीर समस्या को देखते हुए वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट तथा 7 अन्य विधानसभा सीटों के लिए संभावित उपचुनाव को टाल दिया है। यह फैसला आयोग ने ग्राउंड रिपोर्ट के कारण लिया है। बाढ़ की आशंका को पुनपुन एवं गंगा नदी ने बढ़ा दिया है। ऐसा इसलिए कि दक्षिण पटना से होकर बहने वाली पुनपुन नदी के साथ गंगा नदी की बढ़ती जलराशि ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने अब मोबाइल फोन पर ही कोड से QR जारी करने का फैसला कर लिया है। यह व्यवस्था अगले माह से संभावित है। यात्रा के साथ सभी यात्रियों को मोबाइल फोन रखना जरूरी होगा। अभी भी कोरोना के प्रति सभी लोग जागरूक नहीं हो पाए हैं। निर्धारित गाइडलाइंस को नहीं मानते हुए जिन लोगों ने मास्क की अवहेलना की, उन्हें दंड के दायरे में लाकर मास्क के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में 915 लोगों से पटना में रकम वसूली गई। जदयू के वरिष्ठ नेता RCP सिंह का मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज में सबसे अधिक मतदाता महत्वपूर्ण है, इसलिए वो वोट की चिंता नहीं करते। बतौर राष्ट्रीय महासचिव वे इन दिनों वर्चुअल कीबोर्ड के सहारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे तथा तथ्यों को समझा रहे हैं। लॉकडाउन समय सभी पर भारी पड़ा है। कामगारों, रोजमर्रा परिवार चलाने वाले, निजी सेवा से जुड़े लोगों के सामने आज रोजी रोटी की चिंता है। लेकिन जो लोग सरकारी सेवा में हैं, उन्हें अब लॉकडाउन अवधि का पूरा वेतन देने का फैसला बिहार सरकार ने कर लिया है। एक साथ यह फैसला नियमित एवं संविदा कर्मियों पर भी लागू रहेगा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सरकार के इस फैसले के लिए कर्मचारियों ने आभार प्रकट किया है। सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति को समय रहते नियंत्रित करने के किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया और कहा है कि मुख्यमंत्री ने जनता के बीच नेताओं का विश्वास पैदा किया है। इस बीच जदयू के शीर्ष नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नेता प्रतिपक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ने बीते 5 साल में अपने पद से न्याय नहीं किया है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए SDF न्यूज।